ar-Rahim Welcome to online study session. I hope that you are all fine, students. We are doing chapter number two, which is patriotism, yani hubul vatni ya Today we are going to start from paragraph number three. First, we shall discuss the words and meanings from paragraph number three. Nation builder, ma mare kaum, patriot, muhebebat. वटिड चाहते थे प्रोटेक्ट हिफाजत करना या हिफाजत वैल्यूज़ अकदार कल्चर सकाफत ट्रेडिशंस रवायात मुस्लिम्स मुसलमान सब कॉन्टिनेंट बर सग़ी सेंस ऑफ आइडेंटी शनाख्त का एहसास या शनाख्त का शूर सिक्योरिंग हासिल करके सेपरेट अलीहद होमलैंड वतन डिवेल्प पैदा करना गेलवनाइज तहरीक यूनाइटेड, मुतह स्ट्रोंग मजबूत कैद अजम अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टीनेंट he gave the muslims a sense of identity while securing a separate homeland for them he said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation Qaid-e-Azam muhammad ali jinnah was the a great a nation builder a great and or a great patriot azeem कैद आज मोहम्मद अली जना वॉज़ अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद आजा मोहम्मद अली जना एक मामार कौम और अजीम मुहब वतन थे ही वॉन्ट वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना द वैल्यूज़ अकदार की कल्चर सकाफत एंड ट्रेडिशंस और रवायात ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सग़ी के ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुसलिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वो बिरीर के मुसलमानों की अकदार सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे ही गेव द मुसलिम्स उन्होंने मुसलमानों को दिया ही गेव उन्होंने दिया द मुसलिम्स मुसलमानों को असेंस एहसास ऑफ़ आइडेंटिटी शनाख्त का बाय सिक्योरिंग हासिल करके अ सेपरेट होम लैंड एक अलहदा वतन फॉर देम उनके लिए ही गेव द मुसलिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होम लैंड फॉर देम उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया ही सेड उन्होंने कहा वी मस्ट हमें ज़रूर डवेल्प पैदा करना चाहिए अ सेंस एहसास ऑफ पैच्रिटिज़म हुबुलवनी का विच जो गेलवनाइज तहरीक देता है अस हमें ऑल सब को इन टू वन यूनाइट एक मतहद एंड स्ट्रॉग नेशन और मज़बूत कौम बनने की ही सेड आपने कहा

गैर मुल्की इन्वेजन हमला हिस्ट्री तारीख़ इंस्टेंसेस मिसालें डाउन कुर्बान की लाइव्स जाने डिफेंस दिफा वॉर्स जंगें ब्रेव बहादुर सोल्जर्स फौजी अटैम्प्ट कोशिश प्रोटेक्ट हिफाजत एम्ब्रेस्ड गले लगाया मार्टायडम शहादत फाइटिंग लड़ते हुए ब्रेवली बहादुरी से अवॉर्डेड नवाजा गया हाईएस्ट अला तरीन मिलट्री अवार्ड फौजी एजाज़ द स्पिरिट ऑफ पेट्रिटिज़म मेक्स अ स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मेनी इंस्टेंसेस when people laid their lives for the defense of the country in the wars of 1965 1971 and the kargil war many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland the spirit jazba of patriotism hubulvatnika makes us raktahe stay alert chokanna, in the wake सूरत में ऑफ फॉरेन गैर मुल्की इन्वेज़न हमला द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज़्मनी का जज्बा मेक्स स्टे अलर्ट हमें चुकना रखता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेज़न ग़ैर मुल्की हमले की सूरत में द स्पिरिट ऑफ पेट्रिएटिज़म मेक्स अ स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फ़ॉरन इन्वेजन हबुलवतनी का जज्बा हमें ग़ैर मुल्की हमले की सूरत में चुकना रखता है इन हिस्ट्री तारीख़ में ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान की इन हिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टेंसेस बहुत सी मिसालें हैं व्हेन पीपल जब लोगों ने लेड देयर लाइव्स अपनी जान कुर्बान की फॉर द डिफेंस दिफा के लिए ऑफ़ द कंट्री मुल्क के इन दिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टेंसिस वन पीपल लेड देर लाइव फॉर द डिफ़ेंस ऑफ द कंट्री पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की इन दॉर्स ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव उन्नीस सौ पैंसठ की जंग में नाइनटीन सेवेंटी वन उन्नीस सौ इकहत्तर एंड द कारगिल वॉर और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स बहुत से बहादुर फौजियों ने गेव दियर लाइव्स अपनी जाने दी इन एन अटेम्प्ट कोशिश में टू प्रोटेक्ट हिफाजत की या दिफा की द होमलैंड वतन के इन वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव दियर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होम 1965-1971 की जंगों और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर मेजर तुफैल मोहम्मद मेजर अज़ीज़ भट्टी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ सवार मोहम्मद हुसैन लांस नायक मोहम्मद महफूज कैप्टन कर्नल शेर ख़ान एंड हवालदार लालक जान ऑल सब ने एम्ब्रेस्ड गले लगाया मार्टाइडम शहादत को वाइल्ड फाइटिंग जबकि लड़ते हुए ब्रेवली बहादुरी से फॉर देयर मदरलैंड अपनी मादरे वतन के लिए कैप्टन मोहम्मद सरवर मेजर तुफैल मोहम्मद मेजर अजीज़ भट्टी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ सवार मोहम्मद हुसैन लांस नायक मोहम्मद महफूज कैप्टन कर्नल शेर ख़ान और हवालदार लालक जान सब ने अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया ऑल ऑफ देम वो सब वर अवॉर्ड उन्हें नवाजा गया विद निशान हैदर अवॉर्डेड निशान हैदर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया दाइएस्ट अली तरीन मिलट्री अवॉर्ड फ़ौजी एजाज़ से गिवन जो कि दिया जाता है टू ग्रेट पेट्रियट्स अज़ीम मुहबान वतन को हु डाउन जो कुर्बान करते हैं देयर लाइव्स अपनी जाने फॉर द कंट्री मुल्क के लिए ऑल ऑफ़ दैम वर अवॉर्डेड निशान हैदर द हाइस मिलट्री अवॉर्ड गिवन टू ग्रेट पेट्रियट्स हो ले डाउन देयर लाइव फॉर दंट्री इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया अला तरीन फौजी एजाज़ जो कि उन अजीम मुहबान वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द प्रेजेंट कॉन्टीन एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व As we have already discussed the rules and regulations for uh, present continuous tense in our previous lecture, today we are going to start from the method of positive sentences. As uh, the exercise that we are going to do today is about the positive sentences of present continuous tense. So, the method of positive sentences is first we have to put subject plus ismr, which are our helping verbs, plus first form of verb plus ing plus object. बूंदाबांदी हो रही है इट इज़ ड्रिजलिंग कुआं चल रहा है परजियन व्हील इज़ वर्किंग मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम चूल्हे से धुआं उठ रहा है स्मोक इज़ राइजिंग आउट ऑफ हर्थ हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइंस मुझे चक्कर आ रहे हैं आई एम फीलिंग डिजी आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं यू आर सेंग गुड बाई टू योर फ्रेंड वो दरिया में गौता लगा रहा है ही इज़ डाइविंग इन टू द रिवर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं द चिल्ड्रेन आर मेकिंग मच नॉइस अकबर गंदुम काट रहा है अकबर इज़ हार्वेस्टिंग वीट औरत दूध उबाल रही है द वुमेन इज़ बॉइलिंग मिल्क तलबा स्कूल को सजा रहे हैं द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग स्कूल वो मुझसे मिलने आ रहा है ही इज़ कमिंग टू सी मी हुकूमत नए स्कूल खोल रही है द गवमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगुनी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स सो नेक्स्ट आर सम ओकेबलरी वर्ड्स फ्राम द एक्सरसाइज ट्रिजलिंग बूंदाबांदी परशियन व्हील कुआँ टू वर्क काम करना टू टेक रेस्ट आराम करना हर्थ चूल्हा स्मोक धुआं, rise, उठना टू collect, इकट्ठा करना टू फील डिज़ी चक्कर आना टू से गुड बाय अलविदा कहना गोता लगाना टू बॉयल उबालना डेकोरेट सजाना by लीप्स एंड bounds, दिन दुगनी रात चुगनी टू प्रोग्रेस तरक्की करना सो दैट्स इट फॉर टुडे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व एंड एवरीबडी अराउंड यू अल्लाह